गुमला विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सुदर्शन भगत गुमला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सुदर्शन भगत का भव्य स्वागत किया। मौके पर सुदर्शन भगत ने कहा कि सभी लोगों को मिलकर इस बार चुनाव जीतने का काम करना होगा। कहा कि काफी कम समय है, ऐसे में सभी गलतफहमी को भूलकर जीत के लिए गोलबंद होकर काम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने इस बार हम दोनों भाइयों को, आदरणीय समीर वर्मा जी को और मुझे और इसे विधानसभा से माननीय अरुण राव जी को इस जिले का कहा कि इस जिले में प्रमुख रूप से जो तीन विधानसभा पड़ते हैं, प्रमुख रूप से इस तीनों विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया। मैं पूरे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति और प्रदेश नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में तो काम करने का एक कार्यकर्ता के तरफ से कहा है कि पार्टी ने इसे श्री गुमला विधानसभा का एक प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। बिशुनपुर विधानसभा से इस विधानसभा का प्रत्याशी बनाने के लिए उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव और डिफरेंट चुनाव होने वाला है, दिलचस्प भी होने वाला है, इसलिए कि पूरे 5 वर्षों तक झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजद के लोगों ने जिस प्रकार से इस राज्य के जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, भरमाने का काम किया और भ्रष्टाचार से अकंठ जुम करके गोता लगा करके भी यहाँ के संसाधनों को लूटने का काम किया, यानी आपकी गाली कमाई को भी नहीं बचने दिया, उसको भी पूरे लूट। ऐसे समय में इस राज्य के जनता, चाहे जिस किसी वर्ग के हो, आदिवासी हो, मूल हो, सदान वासी हो, ऐसे सारे लोगों में किस प्रकार से जो है प्रतिक्रिया की भावना है, इसलिए परिवर्तन चाह रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।